Is my voice audible to all of you people? एक बारी ज़रा जल्दी इस लिंक को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, सो दैट वी कैन स्टार्ट अप द सेशन. क्या आवाज़ आ रही है मेरी सभी को जी? एक बारी ज़रा लिंक शेयर कर दीजिएगा टेलीग्राम में भी, सो दैट वी कैन स्टार्ट अप द सेशन. एक सेकंड, मेरे को लिंक ज़रा मिल जाए तो मैं शुरू करूँ अभी सेशन को. सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इस समय यही है कि भाई प्राइस हाइक आने वाला 31 मई से, देर इज़ गोइंग टू बी प्राइस हाइक. सो देन वी डोंट हैव एनी विच आई कांट लाइक हेल्प आउट आफ्टर दैट. अभी आपके पास टाइम है, इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज अ सब्सक्रिप्शन यू कैन परचेज. राइट, एक बारी ज़रा यस कर दीजिए सभी लोग. चक्कर पता नहीं क्या है. एवरी सिक्योर ईमेल चलिए चलिए अब आ चुका है जी. मी ज़ोहो मेल. आई होप एवरीबडी इज वेरी. चलिए वेरी वेरी गुड इवनिंग जी. बहुत सारा वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे. नाउ आई हैव गॉट द मैसेज एंड गॉट द लिंक. जरा एक बारी घुमा के शेयर कर दीजिए सभी लोग. प्राइस हाइक होने जा रहा है 20% तक 31 मई से. सो अगर 11:59 PM से तक होगा ये टाइम, उससे पहले पहले अगर आपने ले लिया दैट विल बी फाइन. और यूज करना आपने कोड प्रतीक तक्षला टू परचेज अ सब्सक्रिप्शन. यहाँ पर पहले एक और चीज बताना चाहूंगा, किसी को भी अगर नई सब्सक्रिप्शन लेनी है तो ये नंबर पे जरूर कॉल करिएगा 7825860877 टू परचेज अ सब्सक्रिप्शन. अगर कोई भी डिटेल्स जाननी है रिगार्डिंग द सब्सक्रिप्शन फॉर दीज कैटेगरीज यू कैन डेफिनेटली कॉल दिस नंबर एंड सब्सक्रिप्शन कोड ये वाला लगाइए चाहे ये वाला लगाइए आपको मिलेगा. डबल वॉइस आ रही है, एक सेकंड रुक जाइए चेक कर लेने दीजिए कहाँ से दिक्कत आ रही है. डबल वॉइस आ रही है, एक सेकंड रुक जाइए चेक कर लेने दीजिए कहाँ से दिक्कत आ रही है. अब क्लियर है जी, आवाज अब ठीक है. इज द वॉइस ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू पीपल नाउ? बिल्कुल जी बताऊंगा. मेरे को जरा एक बारी जल्दी कंफर्म कर दीजिए, अ वॉइस इज ऑडिबल टू यू पीपल नाउ? Is it now fine? Okay, that's wonderful. बिल्कुल, ज्योग्राफी का नया कोर्स आ रहा है मेरा इस बैच कोर्स में, लेकिन आई विल बी स्टार्टिंग द क्लासेस फ्रॉम 1st ऑफ
याद रखिएगा, 1 जून से सुबह 7:30 से 9, मॉर्निंग 7:30 AM to 9 AM आई विल बी स्टार्टिंग अ न्यू ज्योग्राफी कोर्स दैट्स गोइंग टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर ऑल ऑफ यू पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS, हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CFF और हु आर प्रिपेयरिंग फॉर योर NDA पेपर. सो ऑल ऑफ यू पीपल कैन जॉइन दिस बैच इन विच आई एम गोइंग टू टेक अप द ज्योग्राफी. आई विल बी कवरिंग अप द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस सेशन में लूंगा मैं, साथ के साथ पूरा कोर्स करवाऊंगा जी. नहीं मेरे भाई यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे तो नहीं अभी, क्योंकि मेरे आर्स ऑलरेडी कंज्यूम्ड है CDS में. जय हिंद जी. अगला क्वेश्चन आइए, जरा पहला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग. इनमें से कौन सा देश है जिसका बाउंड्री साउथ अफ्रीका के साथ नहीं लगता? बहुत बेहतरीन सवाल, 2020 का क्वेश्चन है. जल्दी बताइए कि क्या आंसर होना चाहिए. एवरीबडी प्लीज बी क्विक, जल्दी जरा कमेंट सेक्शन में आंसर करिए. बिल्कुल जी, 9th to 10th. बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी जल्दी मारिए आंसर. आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स हियर. बहुत सुहाना भी लगता है जी. द आंसर इज जाम्बिया. अ गुड क्वेश्चन विच इज थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा लेकिन आसान है जी. ये भी अच्छा क्वेश्चन है. सर आप ये बताओ, थोड़ा ज्योग्राफी 11th 12th और DC लॉन्ग कर लूँ और आपका कोर्स आएगा वो कर लूँ, बहुत है? बिल्कुल मोर देन इनफ है. 6th 12th छोड़ दो, कोई चक्कर नहीं. आपके सारे क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ पेपर में होंगे जी. समझ आ गया सभी को जी? इज एवरी वन क्लियर? शैल वी मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ? इसमें बताइए इनमें से कौन सी जगह है जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है? बेंगलोर, दिल्ली, रायपुर और हैदराबाद. अगेन बोथ ऑफ दीज क्वेश्चन आर बिट टफ क्वेश्चन आई कैन सी, क्योंकि आप लोकेशन के हिसाब से भी सोचे तो आपको क्या लगेगा किधर बारिश ज़्यादा होती है. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मारिए ज़रा जल्दी जवाब. क्या लग रहा है आपको? मैक्सिमम बात कर रहे हैं जी, दिल्ली कहाँ से हो गया यादव साहब? थोड़ी तो करिया करिए, कभी भी कुछ भी मार देते हैं आप. मेरे हिसाब से भाई आपको अगर इंडिया का मैप कभी याद हो तो यहाँ पर बेंगलोर हैदराबाद तो है. आंसर रायपुर छत्तीसगढ़ में, ये सभी को याद है जी. इज एवरीवन क्लियर? आंसर शुड हैव बीन द बेंगलोर इन दिस पार्ट. ये है जी कपनवा क्लासिफिकेशन का सवाल जो इस बारी CFF में आया था, इस बारी CDS में भी था 2022 में. ये CFF 2020 का क्वेश्चन है, कॉपन क्लासिफिकेशन. अगर किसी को भी समझ नहीं हो कॉपन क्लासिफिकेशन,
कैसे चलती हैं, कब एग्ज़ाम तक कैसे पता नहीं है, सर आप क्लियर करते हैं। यहाँ पर अगर आप चेक करें सभी ने ए मारा। मैं आपको आज तरीका बता रहा हूँ ताकि आप लोग कभी भी कॉपन क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम ना करें। ए बी सी डी पहले ये याद रखिएगा जी, ये आपने सुने होंगे, ये कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, बिल्कुल वही समझा रहा हूँ। कैपिटल अल्फ़ाबेट में ए मीन्स मेगा थर्मल, बहुत गर्म एरिया। जितना भी इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल एरियाज है ना, जो भी ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं तो वहाँ पर ए लगता है जी, समझ गए। उसके पहला ये चारों टेम्परेचर के, इसको डेजर्ट्स को कहा जाता है बी। और जो सी है वो टेम्परेट एरिया के लिए वर्ड यूज किया जाता है, टेम्परेट एरिया के लिए। ये जो पहले अल्फाबेट्स है ना कैपिटल, उनके बारे बता रहा हूँ जी। उसके बाद जो डी है वो बेसिकली टॉक्स अबाउट फ्रॉस्ट, ठंड, कोल्ड, इसी प्रकार बाकी भी ठंडे, फ्रोजन, ये सारे। तो आपको ये सभी समझ आ गया पहले, ये बड़े अल्फाबेट किस बेसिस पे, ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द ऑन द बेस ऑफ रेनफॉल, वी हैव द स्मॉलर लेटर्स, स्मॉल केस लेटर्स, एस, डब्ल्यू, एफ एंड एम। एस मीन्स समर्स आर ड्राई, विंटर्स आर वेट। भाई तू अपनी बात कर, तेरे पल्ले कौन सा भाई। सीएपीएफ पेपर का फायदा क्या है, एक ही पेपर में, एक ही दिन में सारा पेपर का खत्म। आईएएस में पहले प्री दिया, उसमें निकल गए तो बाद में मेंस दिया, मेंस में निकल गए तो फिर इंटरव्यू दिया, जिंदगी वहीं पे रटकी रहेगी। ये निकला और बस ज्वाइन कर लिया, ये फायदा है। समर्स आर ड्राई, विंटर्स आर वेट, क्लियर हो गया इसका। डब्ल्यू का मतलब विंटर्स आर ड्राई, समर्स आर वेट। आई होप एवरीबडी इज़ वेरी क्लियर अबाउट द स्मॉल लेटर्स एस एंड डब्ल्यू। एंड एफ मीन्स रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल बारिश हो तो उसको छोटा एफ कहते हैं। और जो एम है उसका मतलब है मॉनसून। जय हिंद जी सभी को, आप सभी को नीचे रेफरल कोड दिख रहा है। अगर आप में से किसी ने भी सब्सक्राइब करना है, ये मौका खाली मत जाने दीजिए। अब टाइम है सब्सक्रिप्शन लेने का और ठोक डालने का। क्लियर हो गया मेरे प्यारे मित्रों, जल्दी बताओ अगर समझ आ गया है, बढ़े फिर आगे को। डिंपल जी आज आप भी आ गई, बहुत दिनों बाद आज आपने दर्शन दिए हैं। इज एवरी वन क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। अब इस हिसाब से अगर आप देखें तो गंगा प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है यूपी, बिहार, ये सब एरियाज। तो भाई ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर तो सी लगना चाहिए था, तो आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए था। और यहाँ पर बारिश गर्मियों में होती, विंटर्स आर ड्राई, तो आंसर शुड हैव बीन सी, डब्ल्यू, जी। जी मीन्स ग्रास लैंड, जी मीन्स ग्रासलैंड, तो आंसर कहा था ए ऑप्शन। क्या आपको क्लियर हो गया जी सभी को? सो दिस इज CWG, इज एवरी वन क्लियर? बड़े फिर आगे जी, नेक्स्ट आइए। बहुत बेहतरीन सवाल है। रिवर कावेरी वॉज वेल डेवलप्ड वैली, वैली ऑफ रिवर अलकनंदा इज स्टिल ग्रोइंग, रिवर कृष्णा इज लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छा जवाब है।
जो रिवर कावेरी है वो आपको पता ही है, साउथ में ब्रह्मगिरी हिल से शुरू होती है और कर्नाटका से इस तरफ जाती है, तो इसकी वेल डेवलप्ड वैली, आई फील इट इज़ राइट। रिवर जो अलकनंदा है आपको पता, गंगा अलकनंदा में ही मिलती है, धौली गंगा वो सारे, तो अलकनंदा इज स्टिल ग्रोइंग, दैट इज़ ट्रू बिकॉज इट्स अ यंग हिमालय के बीच में से। जो तीसरा ऑप्शन है रिवर कृष्णा इज लार्जेस्ट, ये गलत है ना, ये तो भाई गोदावरी है। गंगा के बाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है जी, तो आंसर 1 और 2 होना चाहिए था। एवरीबॉडी गॉट इट, जल्दी बताइए अगर आपको समझ आ गया है मेरा क्वेश्चन और मेरा ये सवाल का जवाब। जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिएगा, अगर आप में से किसी ने भी अनअकैडमी ज्वाइन करना है इस रेफरल कोड को लगाइए और सब्सक्राइब कर डालिए, शर्माइए मत, अब की बार पेपर पार होना चाहिए। नेक्स्ट आइए, बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल, लाजवाब सवाल है। महागणी इज अ टिम्बर स्पीसी, ऑफ रेन फॉरेस्ट, चैपरल वेजिटेशन इज टाइगा क्लाइमेट, लिकेंस आर फाउंड इन तुंद्रा रीजन, साल इज अ रिप्रेजेंटेटिव स्पीसीज ऑफ मॉइस्ट डेसिडुअस। बहुत बेहतरीन सवाल है, अगर आज जी मार रहे हैं बी ऑप्शन, जल्दी बताइए आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए, जल्दी जल्दी मारते जाइए। एवरीबडी प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डू शेयर दिस चैनल एज मच एज पॉसिबल, और जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस पे अगर किसी ने भी ज्वाइन करना है, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए जल्द से जल्द। तब तक हम करते हैं जय माता। बिल्कुल, जिन्होंने बी मारा लाजवाब मारा, क्योंकि चैपरल जो वेजिटेशन है ये आपको भी पता है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में मिलती है, दैट इज इन मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट वी हैव चैपरल वेजिटेशन, और ये श्रब्स होते हैं वहाँ पर, आपने पढ़े थे नाम मेटोरल, वो भी एक वेजिटेशन है, वो मेडिटेरेनियन में ना कि ताइगा में। ताइगा में तो कानी फारस है, लिकेंस वाला बिल्कुल ठीक है, तुंद्रा में मिलता है, साल वाला भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि यहीं पे मिलता है माइस डेसिडुअस में, तो ए बी सी डी में से सब ठीक है, सिर्फ ये बी वाला गलत है। एक नंबर सवाल बनाया है यूपीएससी ने, दिल खुश कर दिया है हमार कि कैसा सवाल बनत है। इज एवरीबॉडी क्लियर, जल्दी जल्दी मारते जाइए और सवाल का सवाल जवाब देते रहिए। चलिए फिर अगले पे, यही तो अभी तक टाइमिंग फिक्स नहीं हुई, जिंदगी आगे निकल गई लेकिन टाइमिंग फिक्स नहीं हो रही। वेरी गुड क्वेश्चन, ट्रांजिशनल जोन ऑफ वेरिड नेचुरल वेजिटेशन ऑक्यूपाइंग द बाउंड्री बिटवीन द टू एडजेसेंट एंड डिफरिंग एनिमल किंगडम्स इज कॉल्ड एज व्हाट, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोटोन, इकोलॉजिकल निसे, या क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए। ये भी हमने टॉपिक आपको ज्योग्राफी में करवा रखा है, एनवायरनमेंट में। जल्दी जल्दी बताइए क्या आंसर होना चाहिए। The transitional zone between the two vegetation is basically ecotone.
जब दो इकोसिस्टम के बीच में एक जोन हो जहाँ पर इधर की भी बायोडाइवर्सिटी हो और इधर की भी बायोडाइवर्सिटी हो, और इस पॉइंट को हम कहाँ कहते हैं, इकोटोन। इसका एग्जांपल है अगर फ्रेश इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और सलाइन वाटर इकोसिस्टम है, इसके जो बीच में मीटिंग पॉइंट है इसको कहाँ कहते हैं, एस्चुरी। इज एवरी वन क्लियर? वंडरफुल क्वेश्चन, वंडरफुल। और इवन अगर ग्रासलैंड जो है एक तरफ डेजर्ट है एक तरफ फॉरेस्ट है ट्रीज है, तो बीच में एक है उसको कहते हैं इको टोन। मेरे प्यारे मित्रों समझ आ रहा है सभी को? इकोलॉजिकल निशे भी बताता हूँ। इकोलॉजिकल निशे होता है एक इकोसिस्टम में हर ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई एक पर्टिकुलर रोल होता है, कोई ना कोई पर्टिकुलर एक फंक्शन होता है, उस चीज़ को हम इकोलॉजिकल निशे कहते हैं। एवरीबॉडी क्लियर? क्लाइमेक्स होता है द लेटेस्ट इकोलॉजिकल सक्सेशन, जब हो रहा है हो रहा है हो रहा है, फाइनल स्टेज पे जब पहुंचते हैं तो उसको कहते हैं हम क्लाइमैक्स। आई होप ऑल ऑफ यू पीपल आर क्लियर अबाउट दिस थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और मेरे को जवाब दे दीजिएगा। कार्टिजीना प्रोटोकॉल, जो कार्टिजीना प्रोटोकॉल है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? बहुत अच्छा सवाल है, ये भी हमने एनवायरनमेंट का कर रखा है जी। विच स्ट्रीम वुड बी गुड फॉर CFF इन ग्रेजुएशन? माई डियर एनी स्ट्रीम विल बी फाइन, नथिंग टू वरी अबाउट। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अभी डिग्री लीजिए, इस पे मत करिए। जल्दी जल्दी करते जाइए। कार्टिजीना प्रोटोकॉल, इट इज बेसिकली द पी ऑप्शन, बायो सेफ्टी अंडर द कंजेंशन ऑफ दिस वन। ऐसा ओजोन वाला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये क्योटो प्रोटोकॉल है, और तीसरा डेजर्टिफिकेशन बाय प्रूविंग, ये कोई नहीं है। तो आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन होना चाहिए था अबाउट दिस प्रोसेस ऑफ कार्टिजीना प्रोटोकॉल। कार्टिजीना बेसिकली एक जगह है बोलीविया में, साउथ अमेरिका के बोलीविया में। और जो कार्टिजीना प्रोटोकॉल है इसमें है क्या कि अगर आप कोई ऑर्गेनिज्म निकाल रहे हो नई बायोटेक्नोलॉजी से, तो भाई इसका मतलब ये ना कहो कि पूरे की पूरी दुनिया की बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाए, तो देर शुड बी अ बायो सेफ्टी। दैट इज बेसिकली द बी पॉइंट शुड हैव द राइट आंसर एंड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत पेट क्वेश्चन है इनका, आपसे पूछना शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग नाम और कौन सी कंट्री में क्या कहते हैं। जल्दी जल्दी बताते जाइए। प्लीज मेक इट फास्ट। मिल्पा, अगर आपको याद हो मेक्सिको में कहते हैं, लडांग मलेशिया में, रोका ब्राजील में, मसोले जायरे में। तो मेरे प्यारे मित्रों ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, तो आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए था। फटाफट अभी कहाँ से फटाफट करते हैं, अभी तो भाई टाइम है।
अगला क्वेश्चन उससे भी माशाल्लाह क्वेश्चन है, अगर आपको समझ आ रहा हो। जल्दी जल्दी बताइए। ये अभी मैंने रिसेंटली आपको करवाया मेरे भाई, क्लास लगा के देखिए आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा क्या करना क्या नहीं। क्लियर है जी? यहां पर आंसर है पॉल जे, याद रखिएगा। सिंक होल जब मिलते हैं तो बनता स्वेलो होल, और स्वेलो होल जब मिलते हैं तो उवाला मिलते हैं तो पॉल जे। ये मैंने कास्ट टोपोग्राफी में आपको करवाए भी थे, लाइमस्टोन के जो लैंडफॉर्म बनते हैं उसमें करवाया था। इज एवरीवन क्लियर भाई? मैं चैनल पे सब कुछ लेके आ रहा हूँ, जहां जहां पर मैं करवा रहा हूँ इस समय पी वाई की उसी करवा रहा हूँ। एवरीवन गॉट इट? So let's move on to the next one then. इनमें से कौन सी मेडिटेरियन कंट्री नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है, एक नंबर सवाल है। लेकिन ये अगर आप क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड भी पढ़े हुए होते ना मेरे साथ, तो भी आपको आ सकता था ये क्वेश्चन। जल्द से जल्द मारिए। सुडान, बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि सुडान टाइप ऑफ क्लाइमेट भी पड़ा होगा, जहां पर सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट है, जहां पर आपको डेजर्ट्स मिलते हैं। लिबिया, तुनिशिया, इजिप्ट, ये सब यहां पर कंट्रीज है मेडिटेरेनियन के नीचे। समझ आ गया जी सभी को क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप अफ्रीका की तीनों देश हैं, बाकी चारों के चारों वैसे अफ्रीका के, तुनिशिया ऊपर है, लिबिया भी ऊपर और इजिप्ट इस तरफ, आंसर इसका सी ऑप्शन होना चाहिए, सुडान। सुडान में सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट है, वहीं से याद आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन सवाल है ये भी। लाल बाबा, श्याल बाबा, छेती मार दियो। जल्दी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जी, कहाँ कहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन की, फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन हो रही है? आंसर इज पंजाब एंड हरियाणा। इट वॉज अ वेरी एज सिंपल एज पॉसिबल दिस क्वेश्चन। एम आई क्लियर टू यू? सभी को समझ आ गया? खून पीने बात एलुवियल सॉइल की नहीं है, बात कुछ और भी है। Census has divided the working population of India into four major categories: cultivators, domestic workers, household industrial workers, and laborers.
जल्दी बताइए क्या जवाब होना चाहिए आपका इस प्रश्न में। मारते चलिए। इट शुड बी डोमेस्टिक वर्कर्स, कोई डोमेस्टिक वर्कर वाली कैटेगरी नहीं थी। ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी से सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। दार्दिक ग्रुप ऑफ लैंग्वेज, जो दार्दिक ग्रुप है वो कौन सी लैंग्वेज का फादर है? द्राविडियन, साइनो तिब्बतन, ऑस्ट्रिक और इंडो यूरोपियन। ये लैंग्वेज फैमिली से भी ना तीन चार बार यूपीएससी ने सवाल बना बना के डाले हैं, तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना। और मैंने ये टॉपिक करवाया रखे है। समझ आ गया सभी को प्यारे बंधुओं? इसमें से चेक कर लीजिए, एनसीईआरटी का डब्बा दिया ताकि तुमको याद रहे, यहाँ पर लिखा दार्दिक, तो क्या आंसर हुआ? इंडो यूरोपियन। कल को पूछ सकता सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी बोली जाने वाली है, वो है इंडो यूरोपियन 73%। इज एवरी वन क्लियर? दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद साइनो तिब्बतन द्राविडियन में भी याद रखिएगा जी, इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। मेरे भाई वहां पर गुड इरिगेशन फैसिलिटीज, खून पीने स्टेट्स पूछी हैं, तुम कुछ और ही सोच के बैठे हो हैं? सवाल तुमने पढ़ा नहीं, आ जाते हो खेती में। इज एवरी वन क्लियर? ये भी क्लियर हो गया जी, ह्यूमन ज्योग्राफी से कैसे कैसे सवाल आते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए, तभी आप स्कोर कर पाएंगे 80, नहीं तो काम खराब है। बढ़ते चलिए। हाँ तो चलिए चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकेसिया जो ट्री है, इट हैज लॉन्ग सैलो रूट सिस्टम, इट्स इनेबल्स अस टू सक मॉइस्चर, इट हैज थानी लीव्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस, वाइड क्राउन सो दैट फॉलिएज कैन एब्जॉर्ब मैक्सिमम। अकेसिया ट्री याद है कहाँ पर है? सवाना ग्रासलैंड में, जो कि ऊपर को ऐसे ऐसे है और यहां पर मोटा। थॉर्नी लीव्स तो ठीक है जी, ये भी ठीक है जी, पर लॉन्ग रूट सिस्टम आई कांट अंडरस्टैंड। तीनों ही ठीक है भाई, मेरे हिसाब से डी ऑप्शन ही सही है, क्योंकि लॉन्ग शैलो मतलब नीचे को आगे को ऐसे ऐसे फैला हुआ रूट सिस्टम। ये मेरे प्यारे मित्र ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, ये भी क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इलस्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ कोरल रीफ्स? जमा ही सिंपल सवाल है, जमा ही जबा। मेरे प्यारे मित्रों, इसका सवाल दे प्रोटेक्ट कम्युनिटीज फॉर अर्थक्वेक से कैसे बचाते हैं, आंसर डी ही होना चाहिए था, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, पहले इसको भी डिस्कस करते हैं। अ नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड टू द मेनलैंड इज व्हाट? इसका आंसर है सैंड स्पिट। तंबोलो होता है जब ये दूर है और एक अलग है जिससे कनेक्ट कर रहा है, इसको तंबोलो कहते हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, विद अनदर एंड? मेरे को पता भाई,
ये भी नहीं करवाया अभी तक, कम से कम 50% तो नेशनल पॉपुलेशन चेंज क्या होता है जल्दी बताइए, खून पीना बता दो अब जल्दी। आंसर इज सब्ट्रैक्टिंग द डेथ रेट फ्रॉम द बर्थ रेट, नेचुरली यहीं से होगा पॉपुलेशन चेंज, यही तो चेंज पता चलेगा कितने लोग आए हैं और उसमें से कितने लोग गए हैं, लुढ़क गए तो माइनस करोगे तो मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन, ग्रोइंग टू और मोर, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड बट इन डिफरेंट रूल्स इज वॉट, क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग, ऑल्टरनेट क्रॉपिंग एंड खारिफ क्रॉपिंग। एक ही खेत में अलग अलग रोज में अलग अलग क्रॉप लगाया जाए तो भाई इंटरक्रॉपिंग होगा। आई होप ऑल ऑफ यू पीपल गॉट द आंसर, आई होप all of you people are enjoying this session and understanding what type of questions UPSC ask you in the CFP paper, CDS paper, and I hope through these questions aapke sare questions theek ho rahe honge. To ye tha ji aaj ka session is topic pe, aasha hai ki sabhi ko samajh aa gaya hai kya padhna hai kya nahi. Aap sabhi se ek hi nivedan hai, agar aap mein se koi bhi join karna chahta hai Unacademy Plus pe meri classes, आई एम टेकिंग अप दिस 25 मई से जो बैच शुरू हो रहा है उसमें ज्योग्राफी ले रहा हूँ 1 जून से, फ्रॉम 1 जून मॉर्निंग 7:30 to 9 AM। इज़ एवरीबॉडी क्लियर, एवरीबॉडी जल्दी बताइए। और मिशन SSB 2022 बैच कोर्स 25 मई से शुरू हो रहा है, इनमें ये टॉप एजुकेटर्स हैं हु आर गाइडिंग यू फॉर SSB विद एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन द डिफेंस फोर्सेस, लाइक ग्रुप कैप्टन राजेश पांडे सर विल बी गाइडिंग यू फॉर इंटरव्यू, मेजर जनरल यश मोर सर विल बी गाइडिंग यू फॉर द करंट अफेयर्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स, कर्नल भूपिंदर सिंह रिहाल विल बी गाइडिंग यू फॉर GTO ग्रुप टास्क, एंड एयर कॉमोडोर विकास पटनायक सर विल बी गाइडिंग यू फॉर साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो देर किस बात की, इस रेफरल कोड को लगाइए और सब्सक्राइब कर डालिए, आपको 10% आप भी मिलेगा। और आपको बता दिया है कि अगले महीने से सब्सक्रिप्शन के रेट्स 20% नियरली हाइक हो रहे हैं, तो अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, यही याद रखना है। किसी को भी सब्सक्रिप्शन लेने के रिलेटेड कोई भी डिटेल जाननी हो तो इस नंबर पर कॉल कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, शर्माइए मत। चलिए फिर, चलिए रखते हैं अब, आप सभी को मिलते हैं कल फिर इसी टाइम। जय हिंद।